हमने अभी तक पढ़ा मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, और अभी ये हम जो देखेंगे ये है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल इफ़, अब ओवरराइडिंग जो हम इसमें देखेंगे ये अब इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में देख रहे हैं। इफ़ सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास हैज़ द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, अगर पहले हम इनहेरिटेंस नहीं कर रहे थे लेकिन मल्टीपल जब क्लास बना रहे थे या मल्टीपल या एक ही क्लास के अंदर एक ही फंक्शन को दो बार हम यूज़ कर रहे थे, तीन बार यूज़ कर रहे थे, तो मेथड को ओवरलोड कर रहे थे। बट यहाँ क्या है, इनहेरिटेंस में पेरेंट और चाइल्ड क्लास दोनों में सेम मेथड है तो उसे बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। अब दूसरे शब्दों में समझना है तो इफ अ सब क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, इट इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ऑलरेडी पेरेंट क्लास में वो हमारा मेथड है और उसको सब क्लास में हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसे मेथड ओवरराइडिंग बोलेंगे क्योंकि ओवरराइड कर रही हैं चीज़ें, है ना। पहले ओवरलोड हो रही थी, अभी ओवरराइड है ना। तो यूज़ क्या है मेथड ओवरराइडिंग का, इसके यूज़ भी हैं। यूज़ है मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाई इट्स सब क्लास। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सब क्लास है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो रहे ही रहे, बट उसके साथ हम कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी ऐड करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग या डिक्लेयरिंग न्यू मेथड हम क्या करेंगे, सेम जो पेरेंट क्लास में है ऑलरेडी उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं उसको हम यूज़ कर लेंगे और इसमें एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग हमेशा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज किया जाता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको अचीव करना है जावा में तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेथड ओवरराइडिंग। पूछिए सर, अगर मेथड, अगर दूसरा मेथड हम कॉल कर सकते हैं, ये क्या स्पेसिफिकली कोई मतलब बेनिफिट है मेथड ओवरराइडिंग से? हाँ बेनिफिट है। अगर मान लीजिए रियल केस आप कुछ ले सकते हैं, आपको एग्जांपल ले सर, कोई मेमोरी एलोकेशन इसमें दोबारा से नहीं करना पड़ता हो उस मेथड के लिए? तो खैर नहीं करना पड़ेगा, लोकेशन तो वही यूज हो जाएगा, लेकिन इसमें फायदा और भी है कि ऑलरेडी जो हमारे पास चीजें हैं और वही हमें सब क्लास के लिए भी चाहिए बट कुछ एडिशनल भी चाहिए, ठीक है, तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, जो पहले वाले हैं और जो नए चाहिए उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब मेजरली सर मेमोरी एलोकेशन की पॉइंट है, मेमोरी एलोकेशन और प्लस आप इसे कह सकते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक है। हाँ रीयूजेबिलिटी। अब एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि एक हमारा क्लास है पिज्जा, ठीक है, क्लास है हमारा सुपर क्लास पेरेंट क्लास पिज्जा। अब पेरेंट क्लास में हमने डाल दिया पिज्जा का बेस, बना लिया बेस, ऐड कर दिया उसके ऊपर कुछ टॉपिंग्स डाल दी, दो टॉपिंग्स डाल दिए, ठीक है। अब हम सब क्लास जो बना रहे हैं, जो चाइल्ड क्लास बन रहा है वो अब ये वेज पिज्जा हो गया मान लीजिए, ठीक है, पिज्जा को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, तो अब उसको चाहिए वो जो बेस है प्लस दो टॉपिंग वो तो चाहिए चाहिए, प्लस इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स डालने हैं, तो अब क्या करेगा, अब फिर से पिज्जा का बेस तो बनाएगा नहीं, ठीक है। अगर फिर से उसको कहते हैं ना एफिशिएंसी या रीयूज करनी है, उन चीज़ों को रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है, तो सेम पिज्जा को लेगा, सेम टॉपिंग जो डलेगा दोनों चाहिए उसको, पसंद है वही चाहिए। अब ये ऊपर से क्या, जैसे पूछते नहीं कि चीज़ ऐड करवाना है क्या करना है, तो बेसिक चीज़ें तो वही रहती हैं, अब इसको क्या ऐड करना है ये करना है, तो वो सेम चीज़ को लेके एडिशनल चीज़ें डाल देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरराइडिंग, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, क्या रूल्स? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सर, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जावा में डायरेक्टली नहीं हो पाता है, अचीव नहीं कर पाते, तो उसके लिए मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हैं। हाँ जी, तो होता क्या है सर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अभी पॉलीमॉर्फिज्म में डिटेल में बताऊंगा ना, इसी में है ना आगे, तो उसमें बताऊंगा। रन टाइम मतलब रन टाइम पे जो हो रहा है, एक कंपाइल टाइम जो कंपाइल टाइम पे हो रहा है,
राइट सर, राइट सर। तो जावा मेथड ओवरराइडिंग में कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है मेथड मस्ट हैव सेम नेम एज इट्स एज इन द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में जो नाम रखा आपने फंक्शन का, वही नाम होना चाहिए चाइल्ड क्लास में, तभी तो ओवरराइड होगा। दूसरा रूल है मेथड मस्ट हैव सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास में पैरामीटर है वो सेम पैरामीटर इसमें होने ही चाहिए। और इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। तो आपको मेथड ओवरराइडिंग में इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए। इज अ रिलेशनशिप किसको डिनोट करता है? इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस को हमेशा बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज अ रिलेशनशिप, एक्सप्लेन इज अ रिलेशनशिप, तो आप इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। एक होता हैज अ, एक होता इज अ। तो इनहेरिटेंस जो है वो है इज अ, ठीक है। इसका आप एग्जांपल अब देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो हैज अ क्या होता है सर? बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले व्हीकल देखते हैं। व्हीकल ये मेथड ओवरराइडिंग का एग्जांपल है। मेन क्लास हो गया हमारा व्हीकल, ठीक है। और इसके अंदर हमने कुछ फंक्शन बनाए, रन बनाया। दूसरा हमने एक दूसरा क्लास बनाया बाइक टू, जो एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल को, मतलब व्हीकल रन होता है ना। तो ये प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक और बनाया रन, ये भी रन होता है, ठीक है। इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं थे, इसमें पैरामीटर नहीं है, बट यहाँ पे हमने जो मैसेज प्रिंट किया इस फंक्शन के अंदर वो है व्हीकल इज रनिंग, और यहाँ पे हम कर दिया बाइक इज रनिंग सेफली। अब हम एक मेन फंक्शन बना के उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाइक टू का, और उससे कॉल करेंगे, ठीक है। किसको कॉल करेंगे? रन को। अब रन को कॉल किया तो दोनों में ही आप ये देखेंगे कि दोनों ही एक्सेसिबल हैं, व्हीकल इज रनिंग और बाइक इज रनिंग सेफली। दो रन और दोनों में रन है, तो किसको ये कॉल करेगा, किसको ये प्रिंट करेगा? बाइक इज रनिंग सेफली, हाँ, क्योंकि जहां ओवरराइड हो रहा है उसको कॉल करेगा, ठीक है। और ऐसा ही अगर यहाँ पे एक थर्ड कुछ बना देते, फॉर एग्जांपल एक बुलेट करके बना दीजिए, ठीक है। और ये हो गया, और बुलेट एक्सटेंड करेगा दोनों को, व्हीकल को और बाइक को। और इसके बुलेट का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे हम कॉल करेंगे रन, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर कि रन तो दोनों में है और दोनों को ये एक्सेस कर रहा है, तो किसको कॉल करें? तो इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा, ठीक है।